निघासन से कांवरियों का जत्था लिलौटी धाम के लिए रवाना हुआ। रिपोर्टर शिवम कश्यप, जनपद लखीमपुर खीरी। श्रावण माह के दूसरे दिन रविवार को जगह जगह से कांवरियों का जत्था मोटे बाबा सरयू घाट धाम समेत लिलोटी नाथ शिवालय पर जल चढ़ाने के लिए रवाना हुआ। इस दौरान भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारा किया। रवानगी से पूर्व ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर जमकर थिरकने के साथ उद्घोष हुआ। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। आपको बता दें, शनिवार के दूसरे दिन रविवार को निघासन व दर्जन गांवों से इकट्ठा हुए कांवरियों ने सरयू घाट से जल भरकर लिलौटी नाथ दुर्गा मंदिर से हजारों की तादाद में हुए रवाना। निघासन कस्बे में लगे बोल बम के नारों से गूंज उठा निघासन। कांवरियों का नजारा इतना देखने में बेहतरीन लग रहा था कि जैसे कि भोले बाबा स्वयं दर्शन दे रहे हैं। निघासन चौराहे पर प्रदीप गुप्ता हनुमान स्वीट के द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई। उसके बाद रकेहटी के पास बालाजी मंदिर मोनू दीक्षित व व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद चतुर्वेदी, पिंटू कनोजिया, मुन्ना यूनिट, संगम शुक्ला साथ ही सहयोगी के द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई। व उसके बाद कसवाल के पास विक्रम मिश्रा व उनके सहयोगियों के द्वारा कांवरियों को जलपान की व्यवस्था की गई। उसके बाद डांडा पुलिया के पास गोपाल दीक्षित व उनकी पत्नी डॉक्टर निपुणमा दीक्षित के द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई। साथ ही मंदिर कांवर समिति के द्वारा औघड़ बाबा पर खाना बाद जलपान की व्यवस्था की गई। उसके बाद कोठिया मंदिर पर भोजन की व्यवस्था भक्तों के लिए की गई। भारी तादाद में कांवरियों ने भोजन किया और योगी नाथ बाबा के लिए रवाना हुए। लिलौटी नाथ बाबा पहुंचकर सुबह जब चढ़ाकर वहां से आज सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर वहां से वापस होंगे, जिसके बाद मंदिर में भंडारे की मंदिर कांवड़ समिति के द्वारा किया जाता है। इस मौके पर निघासन चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य व पूर्व प्रधान रामकुमार मौर्य, दयाशंकर पांडे, आलोक तिवारी, हरिशंकर शर्मा, जितेंद्र, शिवम गुप्ता और साथ ही निघासन पुलिस व थाना पहुआ पुलिस ने मिलकर कांवरियों की ट्रैफिक से निकलने में मदद की। लखीमपुर खीरी से रिपोर्टर शिवम कश्यप। जो भी कांवरिया आगे निकले साथ में चले।